हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक बार जो भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार बता देंगे आवाज वगैरह ऑडियो वीडियो क्लियर है, यस सर नो सर में रिप्लाई कर देंगे, फिर हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ऑल क्लियर, क्या आवाज पहुंच रहा है आप लोग तक? यस सर नो सर रिप्लाई कीजिएगा जल्दी। ज्ञान सोरस, यस सर, आर्मी मोटिवेशन, क्लियर सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बिट्टू। हमने लास्ट क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया था यूनिट नंबर वन, और हमारा यूनिट नंबर वन क्या था? यूनिट नंबर वन हमारा था प्लेन टेबल सर्वे। चलिए ठीक है, ज्ञान सोरस, आर्मी मोटिवेशन। एक बार आप लोग का काम यही बाबू, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपका कॉलेज का ग्रुप है, उसमें एक बार ना शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में जो स्टार्ट किया था उसी से हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सर लास्ट क्लास में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था किसके बारे में? तो सर लास्ट क्लास में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था सर? जो हमारा यूनिट नंबर वन है प्लेन टेबल सर्वेइंग, उसी को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सर जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसका हम लोग ना एक रिकैप ले लेंगे। रिकैप मतलब क्या सर? जो भी लास्ट क्लास में हमने बताया था उसका समरी क्या है, उस समरी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था प्लेन टेबल सर्वेइंग, उसमें हमने सबसे पहला ये बताया था कि जो प्लेन टेबल सर्वेइंग आपका है वो कैसा मेथड है? तो वो आपका एक ग्राफिकल मेथड होता है। कैसा मेथड होता है? ग्राफिकल मेथड होता है। बाजिद अंसारी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाजिद, यस सर, और क्लियर है सर। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि सर प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था कि सर इट इज ए ग्राफिकल मेथड। ये कैसा मेथड है? इट इज ए ग्राफिकल मेथड, पहला पॉइंट हमने ये देखा था, इट इज ए ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था कि सर इन प्लेन टेबल सर्वेइंग बोथ मैपिंग एंड प्लॉटिंग, बोथ मैपिंग एंड रीडिंग आर डन साइमल्टेनियसली। हम लोग रीडिंग और मैपिंग दोनों काम जो है वो एक ही साथ करते हैं साइमल्टेनियसली। ये पॉइंट भी हमने लास्ट क्लास में बात किया। उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट क्या देखा था कि सर दिस मेथड इज सुटेबल फॉर अ स्मॉल एंड मीडियम स्केल, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर अ स्मॉल एंड मीडियम स्केल। ये जो आपका मेथड है वो स्मॉल और मीडियम स्केल के लिए सुटेबल होता है। स्मॉल और मीडियम स्केल के लिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अनुराग। ये स्मॉल और मीडियम स्केल के लिए सुटेबल होता है, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। उसके बाद हमने क्या देखा था कि सर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसका? मैपिंग का। तो सर यहाँ पे जो प्लेन टेबल सर्वेइंग से जो हम लोग मैप प्रिपेयर करते हैं वो मैप हम लोग कौन सा प्रिपेयर करते हैं? तो याद रखिएगा कि टोपोग्राफिकल मैप हम लोग प्रिपेयर करते हैं। कैसा मैप प्रिपेयर करते हैं? तो सर हम लोग टोपोग्राफिकल मैप हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पॉइंट याद रखने के लिए बोला था कि सर जो मैप बनाने का प्रोसीजर होता है, जो मैप बनाने का तरीका होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं कार्टोग्राफी। क्या बोल देते हैं? कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी हमारे पास क्या था कि सर कार्टोग्राफी एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? मैप का प्रिपरेशन करते हैं। तो ये सारा पॉइंट हमने लास्ट क्लास में देखा था। क्या क्या देखा था? तो सर फिर अगेन कि एक प्लेन टेबल आपका ग्राफिकल मेथड है। दूसरा हमने क्या देखा था कि प्लेन टेबल सर्वेइंग में मैपिंग और साइटिंग का काम जो है, मतलब जो रीडिंग लेने का काम है और मैप बनाने का। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मनखुश। तो जो मैप बनाने का और जो हमारा रीडिंग लेने का काम है, दोनों हम लोग एक साथ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया था? तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया था कि सर ये मेथड जो है वो स्मॉल और मीडियम स्केल के लिए सुटेबल होता है। तो ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में देख लिया था प्लेन टेबल सर्वेइंग में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं,
आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग से रिलेटेड कुछ और बातें, जैसे कि प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम लोग कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, प्लेन टेबल सर्वेइंग का क्या प्रिंसिपल होगा उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कैसे ही आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग पीडीएफ से गो थ्रू कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। किसका बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे। हर सर्वेइंग का एक अपना प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। तो उसी तरह से हम लोग प्रिंसिपल बात कर रहे हैं किसका, प्लेन टेबल सर्वेइंग का, कि प्लेन टेबल सर्वेइंग हम लोग कैसे करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है वो चीज समझिएगा, जैसे समझते हैं कि प्लेन टेबल पहले होता क्या है, उसके बाद फिर हम लोग प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक प्लेन टेबल था, ये हमारे पास क्या था, प्लेन टेबल था, ये हमारे पास एक प्लेन टेबल था। ये मान लेते हैं क्या कि सर ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ग्राउंड था, ग्राउंड पे हमने ट्राइपॉड लगा कर करके प्लेन टेबल को हमने फिक्स कर दिया। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, उसी इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं एलिडेड। क्या बोल देते हैं? एलिडेड। अब एलिडेड आपका दो तरीके का होता है, अगर हम लोग बात करेंगे फिलहाल के लिए ऐसा समझ लीजिए कि सर एलिडेड हमारे पास क्या होगा, कुछ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है सर, कुछ एक हमारे पास एलिडेड जो रहता है सर वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पे एक आपके पास रहता है साइटिंग वेन और एक साइड लगा हुआ रहता है क्रॉसिंग या हॉर्स। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और इसको कोइंसाइड करते हुए जो भी ऑब्जेक्ट को देखना होता है हम लोग देख लेते हैं। एक साइड हमारे पास मार्किंग किया हुआ रहता है जिसको हम लोग फुडिशियल एज, वर्किंग एज हम लोग बोल देते हैं। तो ऐसा एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट रहता है। अब इंस्ट्रूमेंट रहता है तो उस चीज को समझिएगा, मान लेते हैं कि प्लेन टेबल को सर हमने यहाँ पे फिक्स किया, प्लेन टेबल को हमने यहाँ पे फिक्स किया है। अब ग्राउंड पे मान लेते हैं कि कोई पॉइंट रहता, कोई एक स्टेशन रहता जिसका नाम रहता कैपिटल ए। स्टेशन का नाम क्या है? कैपिटल ए। आप जो प्लेन टेबल फिक्स किए हैं, जहां पे भी आपने प्लेन टेबल को सेंटर किया है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास क्या रहता, सी रहता। तो सबसे पहला जो आपका प्रोसीजर आता है, सबसे पहला जो आपका प्रोसीजर आता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं सेंटरिंग। सेंटरिंग में हम लोग क्या करते हैं सर, जो भी हमारा ग्राउंड का पॉइंट है उसको हम लोग प्लेन टेबल पे लेकर के आते हैं। पढ़ेंगे प्रोसेस में कि सेंटरिंग क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है, बैक साइटिंग क्या होता है, अलग अलग चीज सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस हमने ये समझ लिया सर, ये जो ग्राउंड पे पॉइंट सी था, इसी पॉइंट को हमने जो हमारा प्लेन टेबल पे जो मैप था उस पे हम लोग लेकर के आ गए। अब यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे एलिडेट को, और एलिडेट को रख करके जो भी हमारा स्टेशन ए पे जो भी ऑब्जेक्ट रहता उस ऑब्जेक्ट को हम लोग साइट करते, और साइट करने के बाद हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको साइट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन ड्रॉ करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि सर ये जो हमारा लाइन होना चाहिए वो पैरेलल होना चाहिए किसके, ग्राउंड के लाइन को। क्या बोला जा रहा है कि ये जो लाइन होना चाहिए जो मैंने मैप पे बनाया, वो मैप वाला लाइन ग्राउंड वाले लाइन का पैरेलल होना चाहिए। यही हमारा प्रिंसिपल होता है किसका, प्लेन टेबल सर्वेइंग का। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग का प्रिंसिपल आपका क्या बोल दिया कि सर जो भी लाइन हम लोग खींच रहे हैं मैप पे, या जो भी हम लोग लाइन खींच रहे हैं जो हमारा ड्राइंग शीट है जो प्लेन टेबल के ऊपर फिक्स किया गया है, इस मैप पे इस ड्राइंग शीट पे खींचा गया जो लाइन होना चाहिए वो पैरेलल होना चाहिए किसका, तो ग्राउंड के, जो ग्राउंड हमारा जो ग्राउंड का सरफेस है उस ग्राउंड के सरफेस के पैरेलल होना चाहिए। और इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो आपको बस एक वर्ड लिख करके आ जाना है क्या, जिसको हम लोग बोल देते हैं पैरेललिज्म। क्या बोल देते हैं? पैरेललिज्म। पैरेलल से बना है, PARALLELISM, पैरेललिज्म। तो पैरेललिज्म क्या हो गया कि सर जो भी हम लोग प्लेन टेबल पे लाइन खींच रहे हैं दैट शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड के वो पैरेलल होना चाहिए। तो यही हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। इसी से हम लोग आज का क्लास शुरुआत करेंगे। तो क्या होता है पैरेललिज्म, क्या आप लोग को समझ में आया? यस सर, नो सर, एक बार रिप्लाई कर देंगे। क्या होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग का पैरेललिज्म, क्या आप लोग को समझ में आया? यस सर, नो सर, रिप्लाई कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं।
एक बार रिप्लाई कर देंगे आप लोग, क्या आप लोगों को समझ में आया कि क्या होता है पैरेललिज्म? बिट्टू कुमार, यस सर, क्लियर है सर, ओके बिट्टू, चलिए देखते हैं हम लोग इस चीज को। तो हमने क्या बोल दिया कि सर जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या कहता है, उस चीज को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या बोला जा रहा है उस चीज को देखिए सर। द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज पैरेललिज्म। जो प्लेन टेबल सर्वेइंग का प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या है सर? पैरेललिज्म। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब में क्या लिखा गया है कि सर दैट इज द रे ड्रॉन फ्रॉम द स्टेशन टू द ऑब्जेक्ट ऑन द पेपर आर पैरेलल टू द लाइन फ्रॉम द स्टेशन टू द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड। क्या बोला गया कि सर अगर मान लेते हैं कि सर ये मेरे पास कोई भी ग्राउंड रहता, ये हमारे पास कोई भी ग्राउंड रहता, और यहाँ पे हमने क्या किया है सर, हमने अपने प्लेन टेबल को फिक्स किया है। तो इस केस में क्या बोला जा रहा है कि सर अगर ये मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई ग्राउंड का स्टेशन सी रहता, ये कोई ग्राउंड का स्टेशन ए रहता, तो सबसे पहले सेंटरिंग करते तो सर हमारे पास एक स्टेशन सी रहता, और यहाँ से सर जो हमारे पास एलिडेट रहता, एलिडेट के सहारे इधर देख करके हम लोग जो लाइन खींचते, तो ये जो लाइन रहना चाहिए ये लाइन कैसा होना चाहिए? पैरेलल, जो स्केल लेकर के हम लोग डिस्टेंस कट कर लेंगे, और इस तरह से ग्राउंड पे हमारे मतलब जो हमारा मैप है, मैप पे हमको स्टेशन ए मिल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, फिर से पढ़ते हैं क्या कि सर द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज पैरेललिज्म। प्लेन टेबल सर्वेइंग का जो प्रिंसिपल होता है सर वो पैरेललिज्म होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि द रे ड्रॉन फ्रॉम द स्टेशन, जो स्टेशन से जो रे निकल रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, द रे ड्रॉन फ्रॉम स्टेशन टू द ऑब्जेक्ट, स्टेशन से ऑब्जेक्ट की तरफ जो रे जो आपका रे आ रहा है ऑन द पेपर, इस पेपर पे आर पैरेलल टू, अब वो पैरेलल होगा द लाइन फ्रॉम स्टेशन टू द ऑब्जेक्ट, स्टेशन से ऑब्जेक्ट का कहाँ पे? ऑन द ग्राउंड पे। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। और इस चीज को एकदम बिल्कुल एज इट इज आपको याद कर लेना। क्या हमने बोल दिया कि सर प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल इज पैरेललिज्म। इसका मतलब क्या है कि द रे ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द स्टेशन ऑन द पेपर इज पैरेलल टू द रे ड्रॉन फ्रॉम द स्टेशन टू द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड। फिर से सुनिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे इज पैरेललिज्म व्हिच स्टेट्स दैट द रे ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट टू द स्टेशन ऑन द पेपर शुड बी पैरेलल टू द रे ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द स्टेशन ऑन द ग्राउंड। यही हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। और ये आपका एक नंबर में आइदर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, नहीं तो फिर आपसे चार नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, और उसके साथ एक क्वेश्चन को और एडअप कर देगा कि बता दीजिए कि अलग अलग ऑपरेशन क्या होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग का। तो अभी बस ये समझ लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होता है। तो इससे आगे हम लोग को बढ़ना चाहिए, क्या चीज समझ में आ गया जल्दी से बता दीजिए जो भी बच्चे हैं। चलिए इसको फटाक से नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। अच्छा ये बताइए, आप लोग पीडीएफ से लिखिएगा या फिर यहाँ पे लिखने का मौका दिया जाए? क्या आप लोग पीडीएफ से लिखेंगे या यहाँ पे लिखने का मौका दिया जाए जल्दी से बताइए? आप लोग पीडीएफ से लिखोगे या फिर यहाँ पे लिखने के लिए मौका दिया जाए? बाजित, बिट्टू, मनखुश, पीडीएफ से सर? ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगेन अब हम लोग बात करेंगे किसका, तो अब हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट यूज इन द प्लेन टेबल सर्वे। कौन कौन सा हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में, इसका अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एसेसरीज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, और ये सर के द्वारा गेस किया जाने वाला चार नंबर का पहला क्वेश्चन है। मतलब ये आपका चार नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म। कि व्हाट आर द डिफरेंट एसेसरीज व्हिच आर यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम लोग कौन कौन सा एसेसरीज का यूज करते हैं? इसमें क्या बोला गया है कि सर फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया प्लेन टेबल्स। पहला आपके पास कौन सा हो गया? प्लेन टेबल। चलिए मैं नंबरिंग करता चलता हूं। पहला हमारे पास कौन सा हो गया? प्लेन टेबल। दूसरा आपके पास आया, उसको हमने क्या बोल दिया? एलिडेड। दूसरे को हमने क्या बोल दिया? एलिडेड। ये जो आपके पास आया ये हो गया आपके पास नंबर टू, जिसको हमने बोल दिया एलिडेड। दूसरा हमारे पास हो गया एलिडेड। तीसरा जो हमारे पास आया जिसको हमने बोल दिया प्लम्बिंग फ्रॉक। तीसरे को हमने क्या बोल दिया? प्लम्बिंग फ्रॉक। तो सर ये दोनों मिल करके जो बन रहे हैं इनको हमने बोल दिया क्या कि ये हमारे पास है प्लम्बिंग फ्रॉक। इसको हम लोग बोल देते हैं यू शेप का एक रहता है और ये रहता है आपके पास प्लम्ब। दोनों मिल कर करके क्या बन जाते हैं? तो दोनों मिल कर करके प्लम्बिंग फ्रॉक बन जाते हैं।
नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं स्प्रिट लेवल। तो ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं इंस्ट्रूमेंट नंबर 4, जिसको हमने बोल दिया स्प्रिट लेवल। इसको हमने क्या बोल दिया? स्प्रिट लेवल। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है इंस्ट्रूमेंट नंबर 5, उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रफ कंपास। तो ये जो हमारे पास आया इसको हम लोग बोल देते हैं इंस्ट्रूमेंट नंबर 5, ये हमारे पास क्या हो गया? ट्रफ कंपास। और इसके बाद जो आपके पास आता है उसको हम लोग बोल देते हैं ड्रॉइंग शीट। अब ड्रॉइंग शीट क्या है? तो ड्राइंग शीट यहाँ पे तो नहीं दिया गया, यहाँ पे तो नहीं दिखाया गया, बट आप लोग यूज किए जब ड्राइंग का एग्जाम भी दिए होंगे, ग्राफिक्स का एग्जाम भी दिए होंगे, तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि आपके पास क्या होता है? ड्राइंग शीट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लेंगे कि सर एक ड्राइंग शीट भी रहता है जो जिसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं क्लिप के हेल्प से। जो भी ग्राफिक्स का एग्जाम दिए होंगे उनको एक आइडिया होगा कि सर कैसे हम लोग ड्राइंग शीट को, जो हमारा टेबल रहता है टेबल के ऊपर हम लोग फिक्स करते हैं। तो ये हमारे हो गया। चलिए अब क्लियर है क्या? एक बार मैसेज कर दीजिए सर, वीडियो रिपीट हो रहा है। हाँ बिट्टू, एक वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया था, अभी सही है क्या? एक बार मैसेज कर देंगे। बाजी अंसारी, बिट्टू कुमार बता दीजिए, अभी सही है? नाउ ओके, यस सर, नो सर, रिप्लाई कर दीजिए। चलिए बढ़िया, ओके। हमने क्या देख लिया कि सर हमारे पास जो एसेसरीज था, एसेसरीज में क्या क्या आ गया था सर? तो 6 एसेसरीज था, प्लेन टेबल था, एलिवेट था, प्लम्बिंग फ्रॉक था, स्प्रिट लेवल था, ट्रफ कंपास था, और क्या था? ड्राइंग शीट था। अब एक एक कर करके हम लोग इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास आएगा उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? प्लेन टेबल। सबसे पहले तो हम क्या बोल देते हैं सर? सबसे पहला जो एसेसरीज आता है उसको हम लोग बोल देते हैं प्लेन टेबल। यही जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है इसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो इसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोल देते हैं प्लेन टेबल। इसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लेन टेबल। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है वो है इसका डायमेंशन। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग डायमेंशन में आता है, बट मेनली जो हम लोग बात करते हैं वो हम लोग बात करते हैं जॉनसन्स प्लेन टेबल का। किसका? जॉनसन्स, जॉनसन्स प्लेन टेबल का। तो जो जॉनसन्स प्लेन टेबल था उस जॉनसन्स प्लेन टेबल का जो डायमेंशन था वही डायमेंशन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्लेन टेबल। तो समझ लीजिएगा कि वो जॉनसन्स प्लेन टेबल का ही बात किया जा रहा है, और उसका जो डायमेंशन था वो डायमेंशन था कितना? तो डायमेंशन था 75 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर का डायमेंशन था। कितने का डायमेंशन था सर? 75 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर का डायमेंशन था। किसका? जॉनसन्स प्लेन टेबल का। इसका जो थिकनेस होता है, इस थिकनेस का अगर हम लोग बात करें तो ये थिकनेस कितना होता है? तो इसका जो थिकनेस होता है वो 15 mm या 20 mm के रेंज में आता है, या तो 15 mm या तो 20 mm के रेंज में आता है। 15 mm से 20 mm के रेंज में इसका थिकनेस होता है। इस प्लेन टेबल का अगर हम लोग बात करते हैं तो इस प्लेन टेबल में आपको क्या देखना है कि सर ये जो प्लेन टेबल होगा इसका जो सरफेस रहता है वो सरफेस कैसा रहता है? तो सरफेस आपका कैसा रहता है? तो सरफेस रहता है सर स्मूथ। कैसा सरफेस रहता है? स्मूथ सरफेस रहता है। कैसा सरफेस रहता है सर? स्मूथ रहता है, और उसके साथ साथ कैसा रहता है सर? लेवल में रहता है। स्मूथ और कैसा रहता है सर? लेवल में रहता है। अगेन क्या बोला जा रहा है कि सर ये जो आपका प्लेन टेबल है वो या तो चीर के लकड़ी से या तो फिर देवदार के लकड़ी से बना हुआ रहता है। किससे? तो या तो चीर के लकड़ी से या तो देवदार के लकड़ी से ये बना हुआ रहता है। कौन? प्लेन टेबल। और ये कैसा रहता है सर? तो ये बेल सीजन रहता है। जैसे आपने पढ़ा होगा बिल्डिंग मटेरियल, तो उसमें टिम्बर के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि ये कैसा होगा? तो बेल सीजन रहता है। कैसा रहता है? बेल सीजन आपके पास ये टिम्बर रहता है। तो बेल सीजन मतलब चीर या देवदार की लकड़ी से बना हुआ रहता है। इसका टॉप सरफेस स्मूथ रहता है, और कैसा रहता है? लेवल रहता है। उसके बाद हमने क्या देख लिया कि इसका जो डायमेंशन रहता है ये आपके ऑब्जेक्टिव में आने वाला, गेस किया जाने वाला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया कि सर जो प्लेन टेबल होगा प्लेन टेबल का डायमेंशन कितना होता है? तो प्लेन टेबल का डायमेंशन कितना याद रखना है? 75 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर। इसी को अगर हम लोग mm में कन्वर्ट करें तो यही आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि 750 mm × 600 mm, इसमें भी आपको ये दिया हुआ रह सकता है। ये हमारे पास इसका डायमेंशन हो गया। अगेन इसको हम लोग और क्या बोल देते हैं? तो इसको हम लोग जॉनसन टेबल भी बोल देते हैं। अगेन इसका जो टॉप सर्फेस होगा, टॉप सरफेस कैसा होगा? स्मूथ और लेवल रहता है। टॉप सरफेस कैसा रहता है? स्मूथ और लेवल रहता है।
नेक्स्ट, यहाँ पे जो ये जो ट्राइपोड है और ये जो प्लेन टेबल है, ये दोनों जिस नट से ज्वाइन रहते हैं, इसको हम लोग या तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोल देते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, या तो हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोल देते हैं, या इसी चीज को हम लोग और क्या बोल देते हैं, तो इसी चीज को सर हम लोग बोल देते हैं क्या, तो विंग नट बोल देते हैं। क्या ऐसा नट बोल देते हैं? तो विंग नट भी बोल देते हैं। तो ये इसको आपको याद रखना है, या तो विंग नट से ज्वाइंट रहता है या तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से ज्वाइंट रहता है। यहाँ पे जो आपका ये नट दिखाई देता है जिसपे ये प्लेन टेबल को हम लोग ट्राइपोड पे, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसको हम लोग ट्राइपोड बोल देते हैं। तो ये जो आपका ट्राइपोड है और ये जो आपका प्लेन टेबल है, आइदर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से ज्वाइंट रहता है या विंग नट से ज्वाइंट रहता है, ये जो आपका प्लेन टेबल है इसका जो डायमेंशन होता है 75 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर होता है। ये चीर या देवदार के लकड़ी से बना हुआ रहता है। इसका जो टॉप सरफेस रहता है वो स्मूथ और लेवल रहता है। इसको बनाने के लिए जो लकड़ी यूज किया जाता है वो बेल सीजन रहता है, उसमें किसी भी तरह का नॉट, किसी भी तरह का अनइवेननेस दिखाई नहीं देता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अंकिता। अगेन क्या बोला जा रहा है कि सर ये जो प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल को हम लोग जॉनसन प्लेन टेबल भी बोल देते हैं क्योंकि उसी का डायमेंशन ये रहता है। ऐसे तो प्लेन टेबल बहुत सारे डायमेंशन में आ जाता है, बट ये जो जॉनसन प्लेन टेबल है उसका डायमेंशन कितना रहता है, 75 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर रहता है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया आपका प्लेन टेबल के बारे में। तो हम लोग जो एसेसरीज पढ़ रहे थे, एसेसरीज हमने कितना देखा, तो हमने देखा कि सर हम लोगों को 6 एसेसरीज पढ़ना है। अब उन्हीं 6 एसेसरीज में से जो सबसे पहला एसेसरीज हमारे पास आया था, वो सबसे पहला एसेसरीज क्या आ गया था, प्लेन टेबल। तो अब एक एक करके प्लेन टेबल के बारे में सारा इंफॉर्मेशन हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या बोला गया प्लेन टेबल के बारे में, सर प्लेन टेबल इज ए ड्रॉइंग बोर्ड। प्लेन टेबल एक ड्रॉइंग बोर्ड होता है ऑफ साइड 750 mm × 60 mm। कितना होता है? तो सर 750 mm × 600 mm, या इसी चीज को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 75 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर, इस साइज में आपके पास ये जो प्लेन टेबल है ये आता है। अगेन क्या बोला जाता है कि मेड ऑफ वेल सीजन वुड लाइक टिक पाइन एटसेट्रा। तो ये क्या बोला जा रहा है, इसमें मैं टीयर लिख दिया था, नहीं ठीक हो गए। तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो प्लेन टेबल आपके पास रहता है वो किससे बना हुआ रहता है, या तो टीके के लकड़ी से बना रहता है, या तो पाइन के लकड़ी से बना रहता है, या तो देवदार के लकड़ी से बना हुआ रहता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, और इसको बनाने के लिए जो लकड़ी यूज हम लोग करते हैं वो कैसा होना चाहिए, तो वो वेल सीजनड होना चाहिए, वो स्मूथ होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, लेवल होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। दूसरा पॉइंट ये बोला जा रहा है क्या कि टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज वेल्ड लेवल। जो टॉप सरफेस होगा वो कैसा होगा, वेल्ड लेवल होना चाहिए। अगेन क्या बोला जा रहा है कि द बॉटम सरफेस कंसिस्ट ऑफ ए थ्रेडेड सर्कुलर प्लेट। इसका जो बॉटम सरफेस होता है उसमें थ्रेड, थ्रेड मतलब समझते हैं ना, जो नट बोल्ट आपने देखा होगा तो नट पे क्या किया हुआ रहता है, थ्रेडिंग किया हुआ रहता है। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे क्या कि द बॉटम सरफेस कंसिस्ट ऑफ ए थ्रेडेड सर्कुलर प्लेट। जो इसका बॉटम सरफेस होता है उसमें थ्रेडेड सर्कुलर प्लेट फिक्स किया जाता है फॉर फिक्सिंग द टेबल ऑन द ट्राइपोड, ताकि उस थ्रेडेड स्ट्रक्चर से थ्रेडेड जो पोर्शन प्रोवाइड किया गया है उसमें हम लोग क्या कर सके, ट्राइपोड और प्लेन टेबल को क्या कर सके, फिक्स कर सके। फॉर फिक्सिंग द टेबल ऑन द ट्राइपोड स्टैंड, मतलब प्लेन टेबल को हम लोग ट्राइपोड स्टैंड पे फिक्स कर सके, उसके लिए यहाँ पे आपका थ्रेडेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो जिसको हम लोग या तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोल देते हैं, या फिर हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, तो बिंग नट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बिंग नट बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि द प्लेन टेबल इज मीन्ट फॉर फिक्सिंग ए ड्रॉइंग शीट ओवर इट। मतलब प्लेन टेबल सिर्फ हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि ड्रॉइंग शीट को इसके ऊपर क्या कर सके, क्लिप के सहारे इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर सके। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्लेन टेबल हो गया। तो क्या प्लेन टेबल सबको समझ में आ गया, यस सर नो सर, जल्दी से बोलिए फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग से। क्या प्लेन टेबल सबको अच्छे से समझ में आ गया कि प्लेन टेबल का सर क्या पर्पस है, क्या साइज होता है, कैसा होना चाहिए, यस सर नो सर, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। इज इट ओके टू यू, यस सर नो सर, बोलिए जल्दी से, समझ में आ गया ये बात। बिट्टू, बाजी अंसारी, ज्ञान ओजस, आरवी मोटिवेशन, अनुराग यादव, मन खुश, अंकिता, क्या समझ में आ गया कि सर प्लेन टेबल क्या होता है? अब क्या मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, यस सर नो सर रिप्लाई करेंगे।
जल्दी बताइए। यस सर, कृष्णा कुमार। ओके कृष्णा, चलिए आप लोग बताएंगे कि प्लेन टेबल का जो साइज होना चाहिए वो साइज क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। प्लेन टेबल का साइज क्या होना चाहिए, देखते सबसे पहला आंसर किनका आता है, प्लेन टेबल का साइज क्या होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा, एकदम श्योर शॉट हो लीजिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा आपका प्लेन टेबल से वो यही आएगा कि व्हाट इज द साइज ऑफ जॉनसन्स प्लेन टेबल, या फिर सिंपली उसको बोल देगा कि व्हाट इज द साइज ऑफ प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल का साइज क्या होना चाहिए जल्दी से बता देंगे, प्लेन टेबल का साइज क्या होना चाहिए। तो जो आपका प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल का साइज क्या होना चाहिए, तो सर प्लेन टेबल का साइज होना चाहिए 750 mm इंटू 60, सॉरी 750 mm इंटू 600 mm, या 75 cm इंटू 6 cm। तो यही एक बहुत बढ़िया कृष्णा का आंसर आया, 750 mm इंटू, यूनिट भी बताते चलिएगा बाबू कि आप एमएम में बता रहे हो कि सेंटीमीटर बता रहे हो, एमएम में, तब बहुत बढ़िया कृष्णा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेन टेबल से बस इतना ही चीज बनता है। बाकी आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप में, 4 नंबर वाला में, कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्सेसरीज यूज्ड इन प्लेन टेबल, तो उसमें आपको क्या करना होगा कि प्लेन टेबल का हर एक पॉइंट को ऐसे ही लिखना होगा। अब हम लोग प्लेन टेबल के बाद जो दूसरा एक्सेसरीज हमारे पास आता है उसको हम लोग बोल देते हैं एलईडी। दूसरा जो एक्सेसरीज आता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एलिडेट बोल देते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, तो हमारा जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एलिडेट, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि सर एलिडेट हमारे पास क्या होता है। तो अगर बात किया जाए एलिडेट का, तो एलिडेट ना आपका 2 तरीके का होता है। एलिडेट कितने तरीके का होता है, एलिडेट आपका 2 तरीके का होता है। एक को हम लोग बोल देते हैं कि सिंपल एलिडेट या नॉर्मल एलिडेट, और दूसरे को हम लोग बोल देते हैं टेलीस्कोपिक एलिडेट। एक आपके पास सिंपल नॉर्मल एलिडेट रहेगा, और दूसरे एलिडेट का बात करेंगे तो दूसरे एलिडेट को हम लोग बोल देते हैं टेलीस्कोपिक एलिडेट। दूसरे एलिडेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, टेलीस्कोपिक एलिडेट, जिसमें ऊपर में क्या माउंट किया हुआ रहता है, टेलीस्कोप माउंट किया हुआ रहता है। और एक आपके पास क्या रहता है, एक आपके पास नॉर्मल एलिडेट रहता है। तो यही 2 तरीके का एलिडेट है। दोनों एलिडेट में जो बॉटम रहेगा, वो एक स्केल टाइप का बना हुआ रहता है, जिसमें एक साइड आपका क्या किया हुआ रहता है, तो एक साइड आपके पास क्या किया हुआ रहता है, मार्किंग किया हुआ रहता है, ग्रेविंग किया हुआ रहता है। जिस साइड आपका स्केलिंग किया हुआ रहेगा, मार्किंग किया हुआ रहेगा, उस एज को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जिस साइड आपका मार्किंग किया हुआ रहता है, नंबरिंग किया हुआ रहता है, उस एज को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। उस एज को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो आइदर इस एज को हम लोग बोल देंगे वर्किंग एज, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, या तो इस एज को हम लोग बोल देते हैं वर्किंग एज, या इसी एज को हम लोग और दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं फिड्यूशियल एज, दूसरे को हम लोग क्या बोल देते हैं फिड्यूशियल एज, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं फिड्यूशियल एज, या फिर इसी का जो तीसरा नाम होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो तीसरा नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा ग्रेविंग एज, ग्रेव्ड एज। तीनों में से कोई भी नाम से जाना जाता है। मेनली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में गेस किया जाने वाला दूसरा क्वेश्चन ये है, सीधा आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, द वर्किंग एज ऑफ एलिडेड इज नोन एज। तो वर्किंग एज जो होता है एलिडेड का, उसको हम लोग और क्या कह देते हैं, तो वर्किंग एज को हम लोग फ्यूडिशियल एज कह देते हैं। वर्किंग एज को क्या कह देते हैं, फ्यूडिशियल एज कह देते हैं। अब इसी के बारे में हमने देख लिया क्या कि सर ये जो हमारे पास एलिडेट रहता है उसका जो वर्किंग एज रहता है, जिधर मार्किंग किया हुआ रहता है, आई होप ये नंबर आपको दिखाई दे रहा हो, इस एज को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, फिड्यूशियल एज बोल दे रहे हैं। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, तो उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि सर जो हमारे पास ये जो स्केल है, ये जो प्रोवाइड किया गया है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर एक साइड हमारे पास स्लिट प्रोवाइड रहता है और एक साइड हेयर प्रोवाइड रहता है। एक साइड क्या रहता है, तो एक साइड सर स्लिट प्रोवाइड रहता है और एक साइड सर हमारे पास हेयर प्रोवाइड रहता है। तो जिस साइड सर हमको स्लिट प्रोवाइड रहेगा उसको हम लोग बोल देते हैं साइट वेंट, जिधर से हमको देखने के लिए एक छोटा सा होल प्रोवाइड रहता है उसको हम लोग बोल देते हैं साइट वेंट, और जिधर सर हमको हेयर प्रोवाइड रहता है जो ऑब्जेक्ट के साइड रहता है उसको हम लोग बोल देते हैं ऑब्जेक्ट वेंट। तो जिधर आपके पास स्लिट प्रोवाइड रहेगा उसको बोल देंगे साइट वेंट, जिधर आपके पास हेयर प्रोवाइड रहेगा उसको बोल देंगे ऑब्जेक्ट वेंट। तो यही चीज आपको लिखना है, किसमें आपको समझना है, एलिडेड में। तो एलिडेट के बारे में क्या बोला जा रहा है उस चीज को समझिएगा। तो एलिडेट के बारे में क्या बोला जा रहा है कि सर एलिडेट जो एलिडेट आपका है, एलिडेट इज ए स्ट्रेट एज रूलर, एलिडेट आपका होता है एक स्ट्रेट एज रूलर होता है, यूज्ड फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट। वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, साइट करने के लिए यूज किया जाता है।
तो वही लिखा गया है कि सर यू इट फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को साइट करने के लिए यूज किया जाता है, एंड ड्रॉइंग लाइन्स, और किसके लिए यूज किया जाता है, लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब हम सबसे पहले जब आपको बता रहे थे प्लेन टेबल में, तो हमने क्या किया था कि सर सबसे पहले आपको कंट्रोल स्टेशन सेलेक्ट करना होता है, और कंट्रोल स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको एक स्केल चुनना होता है। तो आपने क्या किया कि सर एक कंट्रोल स्टेशन हमने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया था, और कंट्रोल स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या चुन लिया था सर, हमने स्केल चुन लिया था। अब जैसे ही हमने स्केल चुन लिया, अब इस चीज को समझिएगा कि सर ये हमारे पास प्लेन टेबल था, ये हमारे पास क्या था सर, प्लेन टेबल था। मान लेते हैं कोई यही एक स्टेशन था, हमने क्या किया कि एलिडेट को यहाँ पे रखा, और एलिडेट को यहाँ पे रख करके इस ऑब्जेक्ट को हमने साइट किया, ये ऑब्जेक्ट हमको दिखने लग गया। सर रूल मतलब क्या होता है सर, रूलर, रूरल, रूलर मतलब जो आप स्केल यूज करते हैं ना, वही हमारा रूलर है, रूलर जिसको हम लोग स्केल को ही तो हम लोग रूलर बोलते हैं। सॉरी सर लेट हो गया, कोई बात नहीं राजू, ठीक है। तो जो हम लोग स्केल यूज करते हैं उसी को हम लोग रूलर बोल देते हैं, क्लियर। अब इस चीज को समझिए, हमने क्या बोल दिया कि सर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्लेन टेबल। प्लेन टेबल पे हमने क्या किया, एलिडेट को रखा। एलिडेट को रखने के बाद सर हमने क्या किया, जो भी हमारा कंट्रोल स्टेशन था, कंट्रोल स्टेशन को हमने साइट किया। अब साइट करने के बाद सर हमने ग्राउंड पर डिस्टेंस को मेजर किया। मान लेते हैं कि हम जो स्केल यूज कर रहे हैं, स्केल यूज कर रहे हैं सर 1:100 मीटर का। कितने का स्केल यूज कर रहे हैं सर, 1:100 मीटर का हम ये स्केल यूज कर रहे थे। अब 1:100 मीटर, और मान लेते हैं कि ग्राउंड पे जो हमारा डिस्टेंस आया है वो आया है 200 मीटर का। ग्राउंड पे कितने का डिस्टेंस आया, 200 मीटर का। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर 100 जो आपके पास है, 1:100 मीटर अगर हम लोग स्केल यूज कर रहे हैं, तो खुद से सोचिए तो कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इस 200 मीटर के करस्पॉन्डिंग हमको जो लाइन खींचना होगा यहाँ से, वो कितने का खींचना होगा, 2 सेंटीमीटर का खींचना होगा। तो हम लोग ये जो 2 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, ये जो हम लोग 2 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, ये 2 सेंटीमीटर का लाइन हम लोग कहाँ से खींचेंगे, तो सर 2 सेंटीमीटर यही जो हमारा वर्किंग एज है, जो फिड्यूशियल एज है, इसी के सहारे हम लोग 2 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि सर इसी एलिडेड के सहारे हम लोग लाइन खींचते हैं। तो वही लिखा गया है यहाँ पे कि सर एलिडेड सिर्फ साइटिंग के काम में नहीं आता है, सिर्फ यूज फॉर साइटिंग नहीं होता है, उसके साथ साथ इसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, लाइन भी खींचते हैं। तो वही लिखा गया है कि एलिडेड का यूज क्या है। तो एलिडेड के बारे में क्या बोला जा रहा है कि सर एलिडेड इज ए स्ट्रेट एज रूलर। एलिडेड आपका एक स्ट्रेट एज रूलर होता है, यूज फॉर शार्टिंग द ऑब्जेक्ट, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के काम में आता है, एंड ड्रॉइंग लाइन, और उससे हम लोग क्या करते हैं, लाइन, उससे हम लोग लाइन भी खींचते हैं। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला जा रहा है कि द रे शुड बी ड्रॉन अलोंग द फिड्यूशियल एज। जो रे हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो जो इसका वर्किंग एज रहता है, जिधर मार्किंग किया हुआ रहता है, उधर से खींचते हैं, और इस एज को हम लोग क्या बोल देते हैं, फिड्यूशियल एज बोल देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है। दोनों पॉइंट कौन कौन सा, तो पहला पॉइंट आपको ये बोला गया, पहला पॉइंट क्या कि सर साइज क्या होता है प्लेन टेबल का, तो साइज याद रख लीजिएगा 75 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाएगा, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाएगा कि जो वर्किंग एज होता है एलिडेड का, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं फ्यूडिशियल एज। क्या बोल देते हैं, फ्यूडिशियल एज। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा, तो दोनों ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान में रखना है क्या कि सर साइज क्या है प्लेन टेबल का, और वर्किंग एज क्या होता है एलिडेड का। तो वर्किंग एज एलिडेड का हम लोग उसको फ्यूडिशियल एज बोल देते हैं। तो वही लिखा जाए द रे ड्रॉन शुड बी अलोंग द फ्यूडिशियल एज, वो फ्यूडिशियल एज के लॉन्ग होता है। अब फ्यूडिशियल एज होता क्या है, कुछ नहीं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि सर इसमें क्या लगा हुआ रहता है, मैं अभी फोटो को थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ, तो इसमें आपको शायद क्लियर दिखाई दे सर। ये जो हमारे पास स्केल रहता है, जो हमारे पास एलिडेड रहता है, एलिडेड का सर जो एक एक हिस्सा रहता है उस पर स्केल बना हुआ रहता है। एक सेकेंड रुक जाइएगा, एलिडेड का जो एक हिस्सा रहता है उस पर क्या रहता है सर, तो उस पर हमारे पास एक स्केल बना हुआ रहता है। आई होप ये चीज आप लोगों को अब दिख जाए। क्या आप लोग को अब स्केल दिख रहा है, तो वही ऐसे ही आपके आसपास स्केल बना हुआ रहता है। तो एक साइड हमारे पास क्या रहता है सर, स्केल बना हुआ रहता है, और इसी स्केल पे हम लोग क्या करते हैं सर, इसी स्केल पे हम लोग क्या करते हैं, इसी के सहारे हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। तो ये एज जहां पे आपका स्केल बना हुआ रहेगा, एलिडेट का वो एज जहां पे स्केल बना हुआ रहता है, उसको हम लोग या तो ग्रेव्ड एज बोल देते हैं, या वर्किंग एज बोल देते हैं, या फिर उसको फ्यूडिशियल एज बोल देते हैं। अब इसी के सहारे हम लोग साइटिंग भी करेंगे, और साइटिंग करने के साथ साथ इसके सहारे हम लोग लाइन भी खींच सकते हैं।
ये हमारे पास क्या था? तो ये हमारे पास था एलिडेड का बटन। अब इसके बाद आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सिर्फ 2 मिनट में आपका ट्रांसपोर्टेशन का क्लास स्टार्ट होगा। अगेन देखिए, ये क्लास आप लोग को यूट्यूब पे फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि आप लोग बेनिफिट उठा सके। अब उसके बावजूद भी आप लोग 5 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 8 लोग ऐसे जुड़ते हो, तो ऐसे में क्लास करवाना पॉसिबल नहीं है। हम लोग यहाँ पे फ्री, अब ऐसा ही करवाना है तो सर इससे अच्छा तो हम लोग सिर्फ अपने ऐप पे करवाएं। आप लोग को यूट्यूब पे इसीलिए करवाया जा रहा है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। अब आप लोग यूट्यूब पे रहिएगा ही नहीं, तो फिर क्लास कंटिन्यू कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपका कॉलेज का ग्रुप है, उस ग्रुप में इसको शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। तो आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में जो हम लोग मिलेंगे, तो जो हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग में अलग अलग बाकी जो एसेसरीज हैं, उन सारे एसेसरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो अलग अलग एसेसरीज हमारे पास कौन कौन सा हो गया था, तो ये जो हमारे पास 6 एसेसरीज है, इन्हीं 6 एसेसरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। 6 एसेसरीज कौन कौन सा था? तो 6 एसेसरीज हमारे पास था, एक सेकेंड, यही 6 एसेसरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत स्लो हो गया सर ये जो हमारे पास 6 एसेसरीज था, इन्हीं 6 एसेसरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? इन्हीं 6 एसेसरीज के बारे में बात करेंगे। तो मेक श्योर ज्यादा से ज्यादा लोग में जुड़े, और क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है? चलिए, अभी जस्ट 2 मिनट में आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन का क्लास स्टार्ट होगा।